मध्य से माननीय मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत जी, इस समारोह में उपस्थित सामाजिक विकास मंत्री माननीय नवल किशोर शाह जी, सेना भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री माननीय शैलेंद्र प्रसाद शाह जी, सेना राष्ट्रीय सभा सदस्य माननीय शेखर कुमार सिंह जी, सेना मंच में आसीन प्रदेश सभा सदस्य माननीय मनीष कुमार सिंह जी, मनीष सुमन जी, सेना हमारा सबके बीच में उपस्थित स्थानीय तो अर्थात नगर पालिका के प्रमुख जी लोकन, तहिना प्रमुख जिला अधिकारी कार्यालय प्रमुख जी सब, तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य जी, तहिना पत्रकार महासंघ के शाखा सप्तरी के पूर्व अध्यक्ष जी लोकन, तहिना हमरा सबक बीच में उपस्थित विभिन्न पेशा कर्मी संगठन के पदाधिकारी लोकन, तहिना नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियन के सप्तरी के अध्यक्ष अजय कुमार झा जी, तहिना हमरा सबक बीच तिराठी कोलाड़ी गाँव पालिका के अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी सही कार्य समिति के संपूर्ण पदाधिकारी जी लोकन, तहिना हमरा सबक आमंत्रणा के स्वीकार करके एनिहार सीमा ओ पार से आ स्थानीय व्यक्तित्व लोकन, तहिना हमरा सबके पेशा कर्मी बौद्धिक महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र जी, तहिना प्रेस नेपाल के प्रदेश इंचार्ज आतिश जी सहित कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण पत्रकार महासंघ के प्रदेश के पदाधिकारी पार्षद सहित प्रतिनिधि सहित संपूर्ण सदस्य लोकन के हम हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त कर चाहे छी। स्वागत है नेपाल पत्रकार महासंघ आई सप्तरी जिला के तिलाठी कोलाड़ी गाँव पालिका के वार्ड नंबर 5 बनरझूला में हम सब उपस्थित छी। ताऊ में कोसी के किनार में अर्थात कोसी के कछेर में आई उपस्थित छी। बहुत रास व्यक्ति सब के जिज्ञासा सेहो हेते जे नेपाल पत्रकार महासंघ आई कोसी के कछेर में किएक एतेक बड़का सभा आयोजन भ रहल छै, और ताऊ में हमरा सबक गौरवमय व्यक्तित्व जे की हमरा सबक अभिभावक प्रदेश 2 के माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी लोकन, माननीय सांसद जी लोकन सहित विशिष्ट व्यक्तित्व सबक सहभागिता रहल है। वास्तव में कहल जाय छै जैठम रवि नहीं पुगैत अछि ओहिठाम कवि पुगैत अछि। तैं हम सब कलमजीवी छी, पत्रकार छी, हमरा सबक सोच सदैव पृथक रहैत आयल अछि, पृथक सोचै छी। आइ ओहि सोच के मूर्त रूप दैत हम सब आइ एहिठाम उपस्थित भेल छी। सप्तरी जिला के ऐतिहासिक ई भूमि आई क्रांतिकारी भूमि, जैठम माता कौशिकी के ई पावन जल से सिंचित भूमि ई तिलाठी कोलाड़ी गाँव पालिका, हम याद करे चाहे छी जैठम राष्ट्रीय स्तर में राजनीतिक परिवर्तन लावे वाला देश के हिलवे वाला व्यक्तित्व और गणतंत्र के बिगुल फूके वाला व्यक्तित्व राम राजा प्रसाद सिंह के भूमि में आई हम सब उपस्थित छी और गौरवान्वित भ रहल छी। संगे एहिठाम अहू माने में हम सब आई गौरवान्वित छी, अपना अपने आप के आई मधेसी कह में सक्षम छी, आ गर्व से छाती ठोक के मधेसी कहे छी। आ ओहन व्यक्तित्व के भूमि में हम सब ठाड़ छी, गजेंद्र नारायण सिंह के आई पावन भूमि में हम सब ठाड़ छी। आई गर्व के अनुभूति भ रहल है नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरी के हम सब ओहि भूमि में ठाड़ भेल छी जे कि निरंकुश पंचायती शासन विरुद्ध अपन जान उतर्ग कनिहार एहिठाम साकेत मिश्रा के भूमि में हम सब आई ठाड़ भेल छी। गर्व के अनुभूति स्वाभाविक अछि। तहिना हम सब अहू माने में गौरवान्वित अनुभूति कर रहल छी जे कि हनुमान नगर जेल कांड के हम सब नहीं बिसर सके छी। इंडिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में जयप्रकाश नारायण सन योद्धा सब के जेल में बंद कैल गेल रहे, और जेल के तोड़े वाला वो योद्धा सब के रामेश्वर प्रसाद सिंह लगाए के योद्धा सब के जन्म भूमि तिलाठी कोलाड़ी गाँव पालिका ओ भूमि में हम सब ठाड़ भेल छी। गौरव के अनुभूति एहि माने में भ रहल अछि जे हम सब आई ओहि भूमि में ठाड़ भेल छी जैठम राष्ट्रीयता स्वाधीनता और सीमा रक्षा के लड़ाई के जखन बात आबैत है तो एहिठाम सप्तरी के तिलाठी के अइ भूमि के हम सब नमन करै छी, राष्ट्र नमन करैत है। आई ओहि भूमि में हम सब ठाड़ छी, ओ अपन जमीन खातिर ओ अपन मातृभूमि के अस्तित्व रक्षा करे खातिर जान निछावर के कनिहार ओ व्यक्तित्व सब के आई भूमि छी। हम सब एहि माने में गौरवान्वित छी जे कि आई मधेश आंदोलन के मसीहा कह के चिन्ह वाला आई माननीय उपेंद्र यादव जी के शिक्षा अर्जन कर वाला भूमि से तिलाठी कोलाड़ी गाँव पालिका के पवन गामा कट्टी उच्च मावी छी। हम सब ओहि माने में से आई गौरवान्वित महसूस कर रहल छी, और एहिठाम ओहन ओहन चाहियो योद्धा सब के जन्म देवे वाला ई भूमि छी। आई एहिठाम कुशेश्वर पाठक सनक व्यक्तित्व के क्रांतिकारी योद्धा सब सनक व्यक्तित्व के ए भूमि में ठाड़ भ रहल छी, सबके ओहना गौरवान्वित महसूस कर रहल छी सप्तरी जिला के तिलाठी कोलाड़ी गाँव पालिका में। जहन
बात उठे तो हम सब तिलाती कोलारी के गांव पालिका के नाम श्रद्धा से ले और गर्व से ले और माइट के तिलक लगेला में भी हमरा सब के गौरव के अनुभूति कर रहा छी। तो हम सब पत्रकार छी, ओहि भूमि के पत्रकार छी और कल अपन कलम से इतिहास लिखे छी और अपन कलम के मादे हम सब देश के सुसूचित करे छी। आई बहुत खुशी लग रहा है और संगे अहू माने में कार्यक्रम के आयोजन स्थल हम सब तय कलो जे की भूमि के बगल में एठम जेठम हम सब बैसल छी माता कोसी के जल धारा एहि भूमि से बहत है और ई जल धारा कलकल कलकल करे एठम के भूमि सब के सिंचित मात्र नहीं करत है। कहियो पीड़ा से हो दैत है, पीड़ा जखन होत है तखन कहित 3-4 महीना एहि भूमि के लोग सब डुबान के मार खेपत है, डुबान के पीड़ा खेपत है। हम नहीं बिसर सके छी ओ कमलू सदा के, जे कमलू सदा 8 महीना के ओ बच्चा जे जगह गाड़ लेल से ओठाम नहीं भेटल रहे ओ यह भूमि में ठाड़ भेल छी, ओ जल में प्रवाह के रहे, ओ तस्वीर पत्रकारिता के मादे अंतरराष्ट्रीय स्तर में चर्चा से ओ पौने रहे ओ तस्वीर आ हृदय हृदय विदारक दृश्य जेठम के अंतरराष्ट्रीय स्तर में चर्चित भेल रहे आ वही भूमि में हम सब ठाड़ भेल छी और गौरवान्वित एहि मायने में छी। माननीय मुख्यमंत्री जी सेहो एहि भूमि के अवलोकन करे कोसी से जे प्रत्येक वर्ष जे एहिठाम के बासिंदा सब के जे अभिशाप जका बुझात रहे छे पीड़ा सह पड़े छे ओहि पीड़ा के सेहो माननीय मुख्यमंत्री जी आइ अवगत हेतन करबे करतन। आ महासंघ के अध्यक्ष जी से जानकारी भेटल है जे सीमा ओ पारक जे जल संसाधन विभाग के व्यक्ति सब आवे वाला छे ओहू माने में हम सब जे छे आइ गौरवान्वित छी। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा 70 के ई साधारण सभा सफल है ओहू माने में जे आइ माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री जी लोकन द्वारा ओहि भूमि सब के पदार्पण हेते निरीक्षण करते ओ समस्या समाधान के ओर आगू बढ़ते नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा 70 के सफलता हेते और संपूर्ण पत्रकार के सफलता हेते। हम बेसी नहीं कह चाहब, बस एतबे कह चाहब जे ई तरी जिला के तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका जे हमरा सब के आमंत्रण स्वीकार करके एठम कार्यक्रम करे के लेल जे भूमि में हमरा सब के स्थान दिलक है तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वड़ा अध्यक्ष सहित संपूर्ण परिवार प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट करे चाहे छी नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा के दिस से। हाँ, हमरा सब के ओहि भूमि में बहुत रास कमी कमजोरी सब छै, स्वाभाविक छै। कार्यक्रम विलंब शुरू भेलै है, स्वागत में कमी भ सकै छै, कतौ संबोधन में कमी भ सकै छै, त कहियो कहित अपने सब के स्वागत सत्कार में कमी भ सकै छै। हम बस एतबी आग्रह करे चाहब महासंघ के दिस से हमरा सब के जे कहित कमी कमजोरी है ओहि कमी कमजोरी के अपने सब एहि बात के ई बुझबै कि हम सब कलमजीवी छी, पत्रकार छी और जे अपने सब के सेवा भाव ल के आगू में ठाड़ है एकरा सहर स्वीकार करब एहि रूप में अपने सब लेबे से विश्वास है हमरा सब के। और संगे एठम हमरा सब के छोट आमंत्रण के स्वीकार क के एहन ई शीतलहरी के समय में सेहो जे एहि बीच में उपस्थित भेलिए अपने सब ते के लेल पुनः स्वागत स्वागत कह चाहब। और एकटा बात पत्रकार छी तैं पत्रकारक बात किछ राख चाहब। राष्ट्र के चौथा अंग कह के पत्रकार के चिन्हल जात अछि पत्रकारिता के, जेकरा कहल जात अछि राष्ट्र के समाज के परिवर्तन करे के आठ ओहि कलम में रहै छै, मुदा ई कलम कह के अपना असुरक्षित अवस्था में छै। कहियो समाचार लिखे के कारण से कहियो त पेशागत सुनिश्चितता नहीं भेला के कारण से सहयोग आइ पत्रकार सब असुरक्षित अवस्था में छै। हमरा सब के आशा भरोसा केहो छै स्थानीय तो मात्र नहीं, आब आशा भरोसा के कहित केंद्र बनल छै प्रदेश सरकार से हो और हमरा सब अभिभावक जे एहि बीच में उपस्थित छै पत्रकार के पेशागत सुनिश्चितता पत्रकारिता के विकास और एकर प्रवर्धन के लेल माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानाकर्षण होय महासंघ शाखा 70 दिस बस यह आग्रह करे संपूर्ण में एक बेर फिर से स्वागत 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 अभिनंदन करे। हम उपाध्यक्ष श्याम सुंदर यादव विदा होई छी, देश तक नमस्कार।